हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का हिंदी व्याकरण की क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको अव्यय के बारे में बता दिया था कि अव्यय के भेद कितने हैं, ठीक है। उन आठों भेदों को हमने बहुत ढंग से पढ़ा था, मतलब चार भेद वो और चार आपके जो विकारी के अंतर्गत हैं उनको। तो विकारी अविकारी समाप्त करने में ही मैंने आपको बताया था कि इनसे संबंधित जो व्याकरणिक कोटियां हैं उनका मैं एक अलग से पूरा सेशन आपके लिए रखूंगा, क्योंकि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी है यह अपने सिलेबस में बाकायदा वो अलग से मेंशन करता है कि व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो मैं पूरा व्याकरण अभी इधर जितनी भी क्लासेज आपको मिलेंगी डे बाई डे, ये सभी आपकी व्याकरणिक कोटियां ही होंगी। यानी हर दिन आपको एक व्याकरणिक कोटि पढ़नी है और बहुत ढंग से उसको समझना है, ठीक है। तो यह पॉइंट चूंकि अगर आप कोई भी पेपर जो 19 में हुआ है जहां से ये व्याकरणिक कोटियां अलग होना प्रारंभ हुई है पाठ्यक्रम में, आप सिलेबस उठाओगे किसी का और पेपर उठाओगे तो आपको जरूर मिलेगा कि एक से दो क्वेश्चन हर एक व्याकरणिक कोट से मिला है। यानी 10 से 12 क्वेश्चन व्याकरणिक कोटियों से वो दे देता है, मिनिमम तो एक देता ही देता है और अच्छे प्रश्न भी इससे बनाता है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान सा दे दिया, अगर आप उनको नहीं पढ़े हैं तो आप पक्का गलत कराएंगे, ऐसे सवाल इसमें होते हैं। तो आइए आज उन्हीं पर हमें बहुत ढंग से परिचर्चा करनी है कि व्याकरणिक कोटियां होती क्या है और उनमें जो हर एक कोटि है आपकी अलग अलग, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे, व्याकरण क्या कहता है व्याकरण की दृष्टि से उसको समझेंगे और उनमें क्या क्या नियम, ठीक है, उनको बनाने से संबंधित, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं परिवर्तन से संबंधित, उन सारे नियमों को हम सीखेंगे। तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान केंद्रित करके इस पूरे व्याख्यान को सुनना है, क्योंकि इसमें आज आपका सबसे जो है महत्वपूर्ण एक तरीके से भाग यहाँ पर हम परिचर्चा करेंगे, जो कि ये सब जो आपके लेक्चर हैं ये टीम परीक्षा प्लस के द्वारा पूर्णतया आप लोगों के लिए निःशुल्क रखे गए हैं। और यह पूरा प्रोग्राम आपको 10 प्लस कोर्सेज के अधीन हम निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सारे वीडियोज फ्री हैं, जो भी क्लासेज होती है सभी की प्लेलिस्ट आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ हर एक क्लासेस की, हिंदी की, ग्रामीण विकास की फुल क्लास, एमसीक्यू की, हिंदी की भी एमसीक्यू की अलग से क्लास लगी हुई है, उत्तर प्रदेश जीएस की पूरी अलग से एमसीक्यू की क्लास लगी हुई है, ठीक है, पॉलिटी की डिटेल क्लासेस लगी हैं, पॉलिटी की एमसीक्यू क्लासेस लगी हैं, इतिहास की पूरी क्लासेस लगी हैं, इतिहास की एमसीक्यू लगी है, ठीक है, हर एक क्लास उसकी एमसीक्यू पूरी बाकायदा लगी हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप सभी जाकर के देख सकते हैं, वो सारी वीडियोज भी आपके लिए फ्री हैं, ठीक है। अगर आप इन सारे कोर्सेज को जो पढ़ रहे हैं हमसे इनके पीडीएफ चाहते हैं तो हमसे 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत आप 3 महीने के लिए एक प्लान ले लीजिए, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पर क्विजेज और पीडीएफ देते रहेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ जो है आपके, इनका 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक साथ लेना है, वो भी केवल 499 में, 499 रुपए में 3 महीने तक आपको जितनी क्लासेज हम करवाते हैं, दिन में 4 होंगी 5 होंगी, सभी की पीडीएफ आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाते रहेंगे, ठीक है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए टीम की क्रैश कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पर कॉल करके कभी भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको और कुछ हमारे क्रैश कोर्स के बारे में जानना है, क्योंकि ईपीएफओ का क्रैश कोर्स चल रहा है, ईपीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो भी क्रैश कोर्स है उसमें नोट्स के साथ पूरे टेस्ट सीरीज हैं, मतलब कंप्लीट नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट की, चाहे जिस क्रैश कोर्स को आप देखेंगे, और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं उनका टेस्ट सीरीज से अलग है, जैसे पीसीएस की टेस्ट सीरीज लेना चाहो, बीओ की केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो उनके टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज मैं आगे बढ़ रहा हूं इनमें। तो आज हमें पढ़ना क्या है, व्याकरणिक कोटियां। सबसे पहले बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा अहम रोल होता है, ठीक है, आज की आपकी हेडिंग भी रहेगी व्याकरणिक कोटियां, ठीक है। व्याकरणिक, चूंकि भैया हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में जब आप पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है, तो वहां पर दो बन जाते, एक विकारी बन जाता है एक अविकारी। जब आप विकारी शब्दों को पढ़ते हैं तो विकारी शब्दों में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। तो इन चारों में जैसे आपका, चूंकि इनमें ये चीज होती है कि लिंग वचन काल कारक, लिंग वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, तो उन परिवर्तनों की वजह से इनको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग तरीके से इनको समझते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आपका होता है व्याकरणिक कोटियां जो यूपी ट्रिपल एससी अपने सिलेबस में देता है वो कितने प्रकार की होती हैं इनको समझिए। सबसे पहला वो देता है लिंग आपका देगा व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत। दूसरा जो पॉइंट देता है वह देता है वचन, ठीक है, क्योंकि लिंग का संबंध आपके संज्ञा सर्वनाम से है, वचन का संबंध आपका वो लिंग का संबंध संज्ञा से है, वचन का संबंध सर्वनाम से हो जाता है। तीसरा इसी में आ जाता है वचन के बाद पुरुष, क्योंकि पुरुष भी सर्वनाम से है, हालांकि पुरुष मैंने पढ़ा रखा है आपको लेकिन यहां पर फिर से डिटेल में। चौथा जो ये आपका देता है, ठीक है, लिंग वचन कारक हो गया, जो है पुरुष हो गया, इसी में कारक आ जाता है, कारक का संबंध भी आपका इन्हीं से होता है। पांचवा जो देता है वह काल देता है, ठीक है, जब क्रिया आप पढ़ोगे तो क्रिया में काल आएगा। छठी जो व्याकरणिक कोटि होती है यह आपकी काल के बाद वाच्य होती है, क्योंकि वाच्य हमें जानना होता है, वाच्य को अच्छे से समझना होता है। सातवीं जो व्याकरणिक कोटि आती है वह होती है वृत्ति, ठीक है, वृत्ति को हमें समझना होता है, क्रिया की वृत्ति होती है। आठवीं जो व्याकरणिक कोटि होती है वह होती है आपका पक्ष, क्रिया के पक्ष को हमें जानना और समझना होता है। नौवीं जो व्याकरणिक कोटियां होती है इसको बोलते हैं हम निपात, ठीक है, इतना आपके सिलेबस में होता है, इतने को हमें पढ़ना है, हर एक को हर एक दिन हम निपटाते चलेंगे बहुत विधिवत ढंग से, जैसा कि व्याकरण कहता है उस दृष्टि के अनुसार हम लोग इसको बहुत व्यापक पढ़ेंगे। तो आज मैं पहली व्याकरणिक कोट ये आपके सिलेबस में है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए, यहाँ से सवाल बनते हैं। 19 में जो TCS ने यूपी ट्रिपल एससी के पेपर करवाए हैं उन पेपर को आप सॉल्व करोगे तो हिंदी में इन सभी से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, सवाल वो भी अच्छे खासे सवाल, मतलब उनका एक अपना जो है लेवल है, स्तर है, उन स्तर में आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा इसमें प्रश्न ढूंढ के डाले गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आपको अपना स्टैंडर्ड इसमें बढ़ाना पड़ेगा, उसी अनुसार हम इसको पढ़ते हैं। तो लिंग में सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, व्याकरणिक कोटियों में कि इसमें लिंग के अंतर्गत होता क्या है तो आप सभी जानते हैं, ठीक, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में जब लिंग की परिभाषा, लिंग देखो अगर इसकी परिभाषा देखें तो जिससे हमें किसी भी शब्द के स्त्री जो है वाचक या पुरुष वाचक का जो है संकेत मिलता है, भेद मिलता है, वह लिंग होता है। तो एक चीज यहां से निकल के आई कि लिंग क्या है, लिंग संकेत देते हैं, किस बात का संकेत देते हैं, लिंग यह संकेत देते हैं कि कोई भी शब्द आपका स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है, स्त्री को बता रहा या फिर पुरुष को बता रहा, तो लिंग किसी के सूचक होते हैं, संकेत देते हैं, ठीक, इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम यही मानेंगे कि लिंग किसी के सूचक होते हैं, संकेत देते हैं, ठीक है, ये किसी भी शब्द को पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक का द्योतक होते हैं, बताते हैं उनको। हिंदी व्याकरण में लिंग केवल दो प्रकार के हैं, या तो पुरुष होगा या फिर आपका स्त्रीवाचक होगा, जबकि अंग्रेजी व्याकरण में लिंग के तीन प्रकार आप पढ़ते हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमें हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के लिंग हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है कि पुरुषवाचक लिंग क्या होते हैं, स्त्रीवाचक क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझना है। तो यहां पर जो पुरुषवाचक होंगे उनको पुल्लिंग और जो स्त्रीवाचक होते हैं उनको स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, हमें विधिवत ढंग से पढ़ना है पुल्लिंग को कि पुल्लिंग होते क्या हैं, कैसे कैसे बनते हैं, पहचान कैसे की जाती है, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या हैं, वाक्य में कैसे प्रयोग होता है, अलग अलग उदाहरण में एक शब्द में कैसे प्रयोग होता है, मतलब जितने प्रकार से प्रश्न पूछा है आपके मनःस्थिति में जितने सवाल मिलेंगे आप पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते रहना, अपने आप आपको लगेगा कि आपके सारे उत्तर धीरे धीरे पूरे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमें पुल्लिंग को पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है स्त्रीलिंग को। इससे पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शुरुआत करने से पहले तो इन सब में जथानामे यथा गुणे हैं। पुल्लिंग यानी ऐसे शब्द जो पुरुष वाचक शब्दों को बताते हैं, पुरुष की जाति का बोध कराते हैं, उनको पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग परिभाषा क्या होगी कि ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, बहुत सामान्य सी परिभाषा है। अब पुल्लिंग में, पुल्लिंग के अंतर्गत बहुत जो है अलग अलग तरीके के उदाहरण होते हैं, उन उदाहरणों को समझना है। इससे पहले हम अभी लिंग पर वापस चलेंगे, वहां पर कुछ चीजों को हम समझेंगे, उसके बाद फिर इन चीजों पर आएंगे, समझे। तो मैंने उदाहरण आपको पहले ही समझा दिया है कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, कि संज्ञा का वह रूप, मैंने बताया नहीं कि लिंग का संबंध संज्ञा से होता है, तो संज्ञा क्या वह रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु
ठीक है, आदि की जाति का पता चले वह शब्द लिंग कहलाते हैं। इन शब्दों से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। ठीक है, हमें यह पता चलेगा कि यह जो शब्द है यह स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लिंग के उदाहरण जैसे पुरुष जाति में अगर देखें, मोहन लिखा है, सोहन लिखा है, मानो लिखा है, बकरा लिखा है, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, ये सभी के सभी आपके पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये लिंग के उदाहरण है। दूसरा है स्त्री जाति। स्त्री जाति में जैसे राधा नाम हो गया, मीना नाम हो गया, महिला हो गया, बकरी हो गई, मोरनी हो गई, लड़की हो गई, हथनी हो गई, शेरनी, घोड़ी, चुहिया। अब इन सभी शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये किसका जो है उदाहरण है, ये सभी आपको स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई लिंग के उदाहरण क्या होते हैं, लिंग में अंतर क्या होता है, पुल्लिंग है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग है क्या होगा, लिंग के भेद, जिन जो शब्द इसके स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं इन्हीं के आधार पर लिंग के भेद होते हैं। लिंग के दो भेद मुख्यतः होते हैं, पहला पुरुष जाति को जो बोध कराता है यह पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति की बोध कराता वह स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग की परिभाषा में वही जो मैंने आपको बताया कि वह संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब इन उदाहरणों को ढंग से समझना, ठीक है, जैसे मैंने यहां सजीव के उदाहरण लिख दिए, बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, ये सब सजीव उदाहरण हो गए पुल्लिंग के। दूसरा मैंने यहां निर्जीवों के भी उदाहरण लिखे क्योंकि अपने यहां नपुंसक लिंग हिंदी व्याकरण में नहीं है। ठीक है, जैसे रुमाल हो गया, कपड़ा हो गया, रक्त हो गया, रबर, शहद, सोना, वसंत, लगान, फल, धन, पत्थर, नशा, नक्शा, ये जो आपके शब्द हैं ये सभी शब्द आपके क्या हैं, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं, हालांकि ये निर्जीव हैं तो उनसे हमें कोई संबंध नहीं है क्योंकि हिंदी व्याकरण में सिर्फ दो लिंग हैं, दो लिंगों में एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग के अन्य उदाहरण को समझो, यहीं से सवाल आपका बनता है, जहां से सवाल बनता है वहां है। जैसे पर्वतों के नाम में जैसे हो गया एवरेस्ट, हो गया विंध्याचल, हिमालय, आल्प्स, ये सब जो है ये सभी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत है। दूसरा जैसे देशों के नाम हो गया, देशों के नाम में ऑस्ट्रेलिया, भारत, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, ठीक है, चीन, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके किसके उदाहरण है, स्त्रीलिंग के, वो पुल्लिंग के उदाहरण है। इन देशों का आप नाम लेंगे तो पुल्लिंग के। नक्षत्रों के नाम में ध्यान दीजिए, जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये सभी नक्षत्र आपके पुरुष जाति यानी पुल्लिंग के अंतर्गत। पृथ्वी को दूर रखना इनसे, ठीक है, पृथ्वी चूंकि स्त्रीलिंग आती है, पृथ्वी हमारी माता है, बोलते नहीं है पृथ्वी हमारी माता है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, तो पृथ्वी इसका अपवाद है, पृथ्वी ग्रहों के अंतर्गत पुल्लिंग में नहीं स्त्रीलिंग में। द्रव्यों के नाम की बात करें तो द्रव्यों के नाम में जैसे दूध हो गया, दही यहां पर नहीं आएगा, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, शरबत हो गया, जूस हो गया, ये सभी आपके किसके अंतर्गत हैं, ठीक है, ये सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अपवाद में देख लेना, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, लस्सी हो गया, चटनी हो गया, ये सब आपके द्रव्य किसके अंतर्गत होंगे, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत होंगे। इन चीजों को मत बोलना नहीं तो गलती हो जाएगी, अपवाद ज्यादा पूछता है। महासागरों के नाम में जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अरब महासागर हो गया, ये सभी आपके किसके अंतर्गत हैं, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अनाजों के उदाहरण में जैसे ध्यान दीजिएगा, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सभी अनाज पुल्लिंग के अंतर्गत हैं। लेकिन अपवाद में याद रखना, जैसे मक्की हो गई, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत होंगे, ये स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत होते हैं, अपवाद से ही सवाल बनते हैं, ये याद रखना। अगली चीज, जैसे प्राणीवाचक शब्दों को जो हमेशा पुरुष जाति का बोध कराएंगे, जैसे भेड़िया हो गया, खरगोश हो गया, आदमी हो गया, लड़का, ये हमेशा आपके किसका भेद कराएंगे, ये पुरुष जाति का ही बोध हमें कराते हैं। अगला जैसे रत्नों के नाम में ध्यान रखिए, हीरा हो गया, नीलम हो गया, माणिक हो गया, मूंगा हो गया, मोती हो गया, ये सभी आपके क्या है, रत्न, ये सब के सब आपके पुल्लिंग के भेद के उदाहरण है। फूलों के नाम में जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, मोतिया, सूरजमुखी। शरीर के अंगों में ध्यान रखिए, हाथ, पैर, बाल, चेहरा, गला, सिर, कान, नाक, मस्तक, हृदय, ये तो पुल्लिंग है, लेकिन भैया जीभ हो गई, आंख हो गई, नाक हो गई, उंगलियां हो गई, ये सब स्त्रीलिंग है, याद रखना, गलतियां मत करना, नहीं तो वहां पता चले कि अच्छा हमें याद है शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं तो यहां अंग के नाम पर उंगलियां दे दिया और हम गलत करके चले आए। ठीक है, आकारांत जो शब्द होते, आकारांत संज्ञा मतलब
जिन शब्दों के अंत में बड़ा आता है। आकारांत संज्ञा शब्द जहां मिलेंगे वो सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुस्सा, अब इसके अंत में देखो बड़ा आ लगा है, चश्मा इसके अंत में भी बड़ा आ लगा है, ठीक है। आकारांत, अकारांत, इकारांत और इकारांत, ऐसे भेद होता है, ठीक है। दिनों के नाम में याद रखना, रविवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत होंगे। धातु के नाम में जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, पारा, ये सब हो गया। महीनों के नाम में याद रखना, ये पूछा भी है इससे 888 ने, शायद जूनियर असिस्टेंट में सवाल पूछा था। दिसंबर, सितंबर, अगस्त, जून, ये जो महीने हैं ये सभी आपके पुल्लिंग के हैं, लेकिन जनवरी, मई, जुलाई, ये जो महीने हैं ये भैया स्त्रीलिंग में है, याद रखना, नहीं तो गलत कराओगे, ठीक है। पेड़ों के नाम में याद रखिए, जैसे बरगद हो गया, नीम हो गया, पीपल, संतरा, जामुन, ये सब हो गए। समय के नाम में जैसे घंटा, पल, क्षण, ये सब हुए। वर्णमाला में ध्यान रखिए, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे ई हो गया री, ये स्त्रीलिंग है, बाकी आपके पुल्लिंग होते हैं। इन तीन को याद रखना, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी आपके वर्णमाला के जो अक्षर है, वर्ण है, वह पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग, जैसे वजन शब्द है, अब वजन शब्द क्या बोलोगे, मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा, बढ़ती ही नहीं जा रही, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा। ऐसे लक्ष्य, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। शनि हो गया, तुम्हारे सिर पर शनि की दशा है, ठीक है, बाबा बोलते नहीं है, बाबा बोल दिए तुम्हारे सिर पर शनि की दशा, महादशा चल रही है, ठीक है। अब्बास, राहु भी जो है आठवें घर की ओर देख रहा है, बस आप परेशान। तो ये सब जो उदाहरण है, ये सभी उदाहरण आपके क्या है, ये सब उदाहरण आपके पुल्लिंग के उदाहरण है। अगला हम देखते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा को, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते, स्त्री जाति का बोध हो रहा तो मतलब वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग। जैसे सजीव में इसमें जैसे माता, लड़की, भेद, गाय, भैंस, ठीक है, यहां भेड़ होना चाहिए, वो भेद लिख गया, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढ़िया, ये सभी जो उदाहरण आपको मिल रहे हैं ये सभी आपके क्या है, ये है आपके स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। निर्जीव में देखें जैसे धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीड़, छत, किताब, ईंट, ईर्ष्या, ये जो शब्द हैं सभी, ये शब्द आपके क्या हैं, ये है स्त्रीलिंग शब्द के निर्जीव के उदाहरण हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण को समझिए, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा। जैसे खा, अंत में खा मिल जाए, टा मिल जाए, वट मिल जाए, हट मिल जाए, ठीक है, आनी मिल जाए, आदि वर्णों से जो खत्म होंगे शब्द, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। जैसे भूख मिल गया, कोख मिल गया, कड़वाहट मिल गया, हट मिला ना, सजावट मिल गया, जेठानी मिल गया, ऐसे शब्द जहां पर अंत में मिलेंगे वहां समझ जाना कि ये सभी स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। ये सजावट कई बार पूछा है। अगला उदाहरण देखिए, भाषा बोली हो गई या लिपि हो गई, अगर इनके नाम कहीं पर मिले तो वहां समझ जाना कि वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत, उर्दू, मराठी, देवनागरी, अब इसमें भाषा भी है, बोली भी है, लिपि भी है, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये स्त्रीलिंग का हमें बोध करा रहे। अगला है तारीखों एवं तिथियों के नाम मिल गए, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी हो गया, प्रथमा, पहली, दूसरी, ये सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञाएं हमेशा, जैसे मछली हो गया, तितली हो गया, मक्खी हो गई, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगी। प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखें जैसे संतान, सौतन, धाय, ठीक, माँ को बोलते, ये सभी क्या हो गई, ये सभी प्राणीवाचक के अंतर्गत आपकी स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। ऐसे समूहवाचक में जैसे सेना हो गई, टोली हो गई, भीड़, सभा, कक्षा, ये सभी इसी के अंतर्गत होंगी। आहारों के नाम जो हम खाते पीते हैं, इनमें जैसे रोटी, सब्जी, कचौरी, पूरी, इडली, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पूरी खाई, अब वहां पूरी खाया नहीं बोलते, मैंने पूरी खाई, ठीक है। आभूषणों एवं वस्त्रों के नाम में जैसे धोती, टोपी, बिंदी, सलवार, साड़ी, कमीज, अंगूठी, ये सभी आभूषण जो हैं लगभग इसके अंतर्गत हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, ठीक है। पुस्तकों के नाम, महाभारत, रामायण, गीता, कुरान, ये सब हो गए। नदियों के नाम में जैसे नर्मदा, गोदावरी, सतलज, गंगा, यमुना, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके किसके अंतर्गत हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। ऐसे है, अनुस्वारांत है, इकारांत है, उकारांत है, तकारांत है, सकारांत है, मतलब जो शब्द पहले मिल रहे उनसे खत्म हो ले, अनुस्वार से जो शब्द खत्म हो रहे, बड़ी ई से जो शब्द खत्म हो रहे, छोटा ऊ से जो शब्द खत्म हो रहे, ता से जो शब्द खत्म हो रहे, सा से जो शब्द खत्म हो रहे,
ऐसी संज्ञाएं जहां मिल जाएंगी वहां समझ जाना कि क्या है, ये सभी आपके स्त्रीलिंग का बोध करा रही। जैसे टोपी, अब यहां इकारांत हो गया, बड़ी की मात्रा लगी। चिट्ठी, बड़ी की मात्रा लगी। उदासी, सरसों, ठीक है, अब सो, यहां अनुस्वार आ गया अंत में, ठीक है। प्यास, सकारांत आया, मतलब अंत में सा आया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। छत, ठीक है, अब इसमें ता आ रहा है, ठीक है, ये तकारांत है ना, इसके अंत में ता आया छत के, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग। ऐसा नदी है तो इकारांत हो गया। रात, मामी, भाभी, ये सभी है। राशियों के नाम में याद रखना, जैसे कुंभ हो गया, मीन, कन्या, तुला, कर्क, ये राशियां आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, ठीक है। अगला, जैसे मसालों के नाम हो गया, ये भी आपके किसके स्त्रीलिंग के अंतर्गत होंगे, जैसे लौंग, इलायची, हल्दी, मिर्च। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग समझे। जैसे एक है घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। ऐसे खटास, हमारे रिश्तों में थोड़ी खटास है। अंगड़ाई, हमें सुबह उठते ही एक अंगड़ाई लेनी चाहिए। आदत, मुझे धूम्रपान की आदत सी हो गई है। अब ये जो शब्द होंगे, ये सभी क्या होंगे, स्त्री लिंग के अंतर्गत होंगे, याद रखना। यहां जो है गलतियां मत करना। आगे बढ़ते हैं लिंग परिवर्तन, तो कुछ अन्य उदाहरण को समझ ले स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। जैसे लेखक पुल्लिंग है, लेखिका हो जाएगा। विद्वान है, इसका विदुषी होता है, पूछता है। महान है, इसका महती होता है। ये कई बार आया, और लड़के बहुत बार गलत करते हैं, ठीक है। महान शब्द का जो स्त्रीलिंग बनता है, ये महती होता है, ठीक है, महती, याद रखना, गलत मत करना। महान का साधु है तो साध्वी होगा, ठीक है। अन्य को आप जानते हैं इनमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और जैसे अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या हैं, इसको समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी स्त्री प्रत्यय की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम तत्सम में चले जाएंगे, वहां पर बात करेंगे जो संस्कृत के स्त्री प्रत्यय हैं। तो पुल्लिंग से बनाना है, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना है, यानी हम कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका नियम होता है, वह नियम कहता है कि अकारांत, मतलब ऐसे शब्द जिसके अंत में छोटा आ आपको मिलता है, और दूसरा कह रहा है आकारांत, यानी जिसके अंत में आपको आ मिल रहा, ठीक है। ऐसे जहां पर शब्द मिलेंगे पुल्लिंग शब्द, इनको इकारांत अगर कर दिए, यानी आ की मात्रा या बड़ा की मात्रा जहां अंत में मिल रही, इसको हटा के इनकी जगह पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे आप, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे समझिए आकारांत शब्दों में, लड़का है, इसके अंत में बड़ा की मात्रा है, अब बड़ा की मात्रा हटा के बड़ी की मात्रा लगा दो, ये स्त्रीलिंग में बदल गया, लड़की हो गया, ठीक है। गुंगा है तो गुंगी हो गया, देव है तो देवी हो गया, नाला है नाली हो गया, ठीक, ऐसे शब्द हो गए। बंदर है तो बंदरी हो गई, बंदरिया। दूसरा शब्द कह रहा बड़ा आ या वा, प्रत्यांत, यानी जिन जहां पर ये प्रत्यय अंत में लगे हो, प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह पर क्या होगा, यह शब्द लगने से वह स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कुत्ता, अब इसको हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है, तो इया जोड़ दो, अब बड़ा हटा के इया जोड़ोगे तो कुतिया बन जाएगा, यह स्त्रीलिंग हो गया। बूढ़ा है तो बुढ़िया होगा, लोटा है तो लुटिया होगा, बंदर है तो बंदरिया होगा, बेटा है तो बिटिया होगा, ठीक है, ऐसे शब्द आपके बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है आपका जो लिंग, मतलब इसमें नियम, कि ऐसे शब्द जो व्यवसाय बोधक है या जाति बोधक है तथा उपनाम वाचक शब्द है, ऐसे शब्द जब आपके होंगे तो इनका अंतिम स्वर का लोप कर देंगे हम वहां पर, और उनमें कहीं पर इन और कहीं आइन प्रत्यय जोड़ दे लगाकर स्त्रीलिंग बनाते। कौन से, इन प्रत्यय और आइन प्रत्यय जोड़कर इनको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते। कैसे, समझो, जैसे लिखा है आपका माली, ठीक है, अब व्यवसाय बोधक हो गया ना, माली, माली एक व्यवसायी है, ठीक है। अब इसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, तो यहां पर हम क्या जोड़ेंगे, इन प्रत्यय जोड़ दें तो मालिनी, ठीक है, धोबी धोबिनी, तेली तेलिनी, बाग बागिनी, बनिया बनियाइन, ठीक। अब बनिया को जो है बनियाइन बनिनी तो बोल नहीं सकते, बनियाइन बोलते हैं। ऐसे कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते, जैसे ठाकुर है तो ठाकुरानी बोलेंगे, पंडित है तो पंडिताइन बोलेंगे, चौधरी है तो चौधरानी बोलेंगे, ठीक है, देवर है तो देवरानी बोलेंगे, इसमें आनी है, जेठ है तो जेठानी जेठरानी बोलेंगे, ठीक है, जेठानी जेठरानी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे शब्द मेहतर है तो मेहतरानी, सेठ है सेठानी या सेठरानी, जो भी है, मतलब आनी बोलते हैं, लास्ट में आनी जोड़ते हैं।
अब तीसरा जो इसमें मतलब अगला जो नियम है, जात या भाव बताने वाली संज्ञाओं को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने में यदि शब्द का अन्य स्वर दीर्घ है, ठीक है, दीर्घ मतलब बड़े की मात्रा जहां लगे, तो उसे हरसु करते हुए नि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे समझो स्यार अगर है तो स्यार में स्यारणी बना देंगे, ठीक है, शेर है तो शेरनी कर देंगे, ऊंट है तो ऊंटनी कर देंगे, यहां पर नि प्रत्यय जुड़ेगा सब में, समझ गए। आगे बढ़ लेते हैं भैया, अन्य उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े हो और ये स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द होते हैं हमेशा, इनमें आपको दिमाग नहीं लगाना। जैसे माँ है तो बाप, ठीक, स्त्री और पुरुष के जोड़े हैं, मर्द है तो औरत, पुत्र है तो कन्या, राजा है तो रानी, भाई बहन, पुरुष स्त्री, ये सब ऐसे शब्द हैं जो क्या है, ये हमेशा आपके जोड़ों के तौर पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के तौर पर रहते हैं। अगला है जैसे आ अगर कहीं पर है अंत में, इसको आप बड़ी में करके स्त्रीलिंग बना दे, जैसे बेटा है तो बेटी, देव है तो इसको देवी में कर दिए, कबूतर है तो कबूतरी बना दिए, मतलब अंत में आ मिल रहा या बड़ा आ मिल रहा तो वहां पर हम क्या कर देंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ऐसे इका जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे अध्यापक है तो इसमें अध्यापिका हो जाएगा, संपादक है तो संपादिका हो जाएगा, गायक है तो गायिका बन जाएगा, पत्र है तो पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। इन जोड़कर जो है स्त्रीलिंग बनाते हैं, इन एक प्रत्यय है जोड़, समझो सुनार है तो इसको सुनारिन स्त्रीलिंग में परिवर्तन होगा, सांप लिखा है तो सांपिन बोलेंगे, दर्जी है तो दर्जिन बोलेंगे, ऐसे शब्द, नाती है तो नातिन बोल देते हैं, ठीक है। अगला दसवां नंबर है आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, आइन जैसे चौधरी है तो चौधराइन, ठीक है, ये इससे पहले भी आपने पढ़ा है। अगला है कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे तोता है तो मादा तोता, खरगोश है तो मादा खरगोश, मक्षर है तो मादा मक्षर, ठीक है, मच्छर ही नहीं बोल देंगे, ठीक है, जिराफ है तो मादा जिराफ, इन शब्दों में मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग हम बनाते हैं, ठीक है। अगला है जैसे शब्दांत में इनी जोड़कर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे तपस्वी है तो इसमें तपस्विनी होगा, स्वामी है तो स्वामिनी बनेगा, दंडी है तो दंडिनी बनेगा, मतलब इन्हीं प्रत्यय इनमें जुड़कर इनसे जो है स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते, जैसे कोयल है तो नर कोयल, चील है तो नर चील, मकड़ी है तो नर मकड़ी, भेड़ है तो नर भेड़, याद रखना, ठीक है। अब संस्कृत स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं इनको समझ लें आप लोग। देखिए भैया, संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत अगर मिल रहे, मतलब अंत में प्रत्यय ऐसे मिल रहे जिनमें मान लगा है या वान लगा है, तो प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान तथा मान को क्रमशः वती और मती कर दें आप तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। वान है वहां वती कर दो और जहां मान है वहां मती कर दो तो स्त्रीलिंग का वो द्योतक होगा। जैसे बुद्धिमान, अब अंत में मान आया, अब मान हटा के मती लगा दो तो बुद्धिमती हो जाएगा। पुत्रवान, वान को हटा के वती लगा दो तो पुत्रवती बन जाएगा, मतलब स्त्री लिंग का जो है ये द्योतक हो गया। ऐसे आयुष्मान, अब अंत में मान शब्द लगा है, यहां पर मान हटा के मती कर दो तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये स्त्री लिंग का द्योतक हो जाएगा। भगवान है तो भगवान का स्त्री लिंग पूछा भी है, ठीक है, ये भगवती होता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत के बहुत से अकारांत विशेषण शब्द, अकारांत यानी जिनके अंत में आ आता है, छोटा आ जिनको बोलते हैं, ठीक है, अगर छोटा आ वाले हैं तो उनमें बड़ा आ लगा दो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे तनुज है, अब तनुज में आ आप जोड़ दे बड़ा आ तो तनुजा हो गया, ठीक, अब यहां पर यह क्या हो गया, स्त्रीलिंग का द्योतक हो गया। ऐसे ही यहां पर चंचल है तो ये चंचलता हो जाएगा, प्रिय शब्द है, ठीक, ये प्रिया हो जाएगा, ये सभी क्या हो गए, ये सभी आपके अकारांत से आकारांत में जब परिवर्तन हुए तो वहां पर स्त्रीलिंग हो गए, समझ गए। अगला है जैसे जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाते। जहां अक शब्द अंत में आया और अक की जगह पर आपको क्या कर देना है, इका कर देना है, जिससे उनमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाएगा आपको। जैसे सेवक शब्द है, सेवक, अक आया अंत में, इसमें ईका कर दो, सेविका कर दो तो अपने आप ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित होगा। दूसरा है पालक, इसको भी ईका अंत में जोड़ दे, पालिका हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। ऐसे अगला है बालक, ईका जोड़ दीजिए, बालिका बन गया, ठीक है, पाठक, पाठिका हो गया, ठीक है। अगला है जो नियम, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता है,
इनके स्थान पर त्रि जोड़ दें आप तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे दाता, अब दाता का स्त्रीलिंग ये पूछा भी है, नेत्री दात्री होगा, ठीक है। नेता है, नेत्री होगा, ये पूछता है, याद रखना, ठीक है। ऐसे शब्दों को कई बार पूछा है। धाता है, धात्री बनेगा। अभिनेता है, अभिनेत्री होगा। विधाता